किशनगंज ठाकुरगंज प्रखंड के कानपुर पंचायत में देर रात तेज आंधी आने से 10 से 15 एकड़ मक्के और केले की फसल बर्बाद हो गई। इससे कई किसानों ने लाखों का नुकसान होने का अनुमान जताया है। केला किसान ने बताया कि हम लोग काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, बीती रात को अचानक तेज आंधी आने के कारण केले की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग खेती बाड़ी कर सकें। हम लोग खेती बाड़ी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अब लगभग 8 से 10 एकड़ केले की फसल बर्बाद हो गई, जिसकी कुल लागत तकरीबन 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। ये केला का जो है कि तैयार होने के बाद कितना रुपया पड़ता है? 200 से लेकर 300 तक। अच्छा, ये नुकसान लगभग कई एकड़ जमीन हुआ आपका? 2500 फिर नुकसान हुआ है आपका। जमीन कम से कम 4 से 4.5 बीघा। इसके अलावा क्या काम करते हैं? काम वही खेती का काम करते हैं हम लोग, बस खेती करते हैं, उपजाते हैं बाल बच्चा को। क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि जो हमारा जो नुकसानी हुआ है तो ये अगर भरपाई करेगा तो हम लोग का जान बचेगा। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद जलाल। 2.5 बीघा केला गिर चुका है, उसमें हमारा जो नुकसान लगभग मोटा मोटी 2 से 2.5 लाख रुपया का। अब एक बात बताइए, केला गिर गया, आंधी आई, चल गई, इतना मायूस होने का क्या ये है आपका? अब क्या करके खाएंगे हम? हमारा बहुत क्षति हो गया, उसमें प्रशासन से ये डिमांड कर रहे हैं कि या कुछ मदद दे दे तो हम लोग को बाल बच्चा को लेके सूखी खाएंगे, नहीं तो हम लोग को कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा क्या कारोबार चल रहा है आपका? वही किसान कर रहे हैं, पटुआ मकई केला खेती कर रहे हैं। बाल बच्चा को लेके 6 लड़की है, उसका बिलाल हमारा पास एक लड़का है। लड़की का जो है कि शादी वगैरह दिलवाते हैं, केला का ही केला बेच के, केला मकई बेच के, पटुआ बेच के हम लोग इसी को लड़की को शादी उदी देते हैं। और उसका बाद हमारा पर इतना रुपया कर्जा है 4-5 लाख रुपया का, अब क्या करके मारेंगे। मिनसम लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? क्या नुकसान मोटा मोटी पकड़ लो 3 से 3.5 लाख का नुकसान हुआ। उसमें हमारा खर्चा मोटा मोटी 1 से 1.5 लाख खर्चा है। क्या प्रशासन से मांग कर रहे हैं? अभी प्रशासन से मांग कर रहे हैं ये हमारा मदद कर दे तो हम बाल बच्चा को लेके। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद आफाक है, आफाक आलम है। जो दिन हवा आंधी आया है, ये आंधी में पूरा हमारा 2 बीघा केला ऐसा पूरा गिरा हुआ है। जो एक गाछ में 100 रुपया मेहनत लगा है, जो हमारा खर्चा पड़ा है, तो ऐसे करके तो पूरा क्षति हो गया है। घर बाड़ी जितने भी हैं सब की उड़ गए हैं, और गाछ बिछले जितने भी हैं सारे गिर चुके हैं। और ये केला का पेड़ में 100 रुपया खर्चा आज तक मेरा पड़ा है, और अभी तक मुझे कोई पत्रकार अभी आके पहुँचा और फोन करते हैं फिर नहीं उठ आ रहा है जल्दी। प्रशासन जो है कि आप जांच करने के लिए अब तक कोई पदाधिकारी पहुंचा? नहीं पहुंचा, अभी आपको फोन किए आपको, तो फिर तब आप आके पहुंचे, और पहुंचने के बाद तो फिर अभी दिखा रहे हैं। इस गांव का जो है कि आप एक वार्ड सदस्य प्रतिनिधि है, लेकिन अपने वार्ड सदस्य हैं। आपके द्वारा प्रशासन को इन्फॉर्मेशन किया गया है? नहीं किया है, कोई जो रोज सलाहकार है उसको फोन किए, फोन नहीं उठा रहा है, फोन स्विच ऑफ बता रहा है। जिला पदाधिकारी से क्या मांग कर रहे हैं? जो हम लोग का खेती नुकसान हुआ है, ये नुकसान अगर कुछ अगर सरकार मुआवजा दे दे तो सबसे अच्छा रहेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद अय्यूब। कैसे जो है कि ये केला क्षति हुआ है आपका? आज रात को अचानक आंधी तूफान आया, जिसके वजह से पूरा केला हुआ, घर हुआ, पूरा बर्बाद कर दिया है और पूरा क्षति हो गया है। मैं किसान हूँ, एक ये बच्चे की तरह पालना पड़ता है केला को, पूरा साल का मेहनत करते हैं, कर्ज महाजन ले करके इसमें खर्चा किया गया है, सब बर्बाद हो गया, अभी पूरा कर्ज चढ़ जाएगा ऊपर। इसके अलावा अब आपके पास क्या कोई कारोबार? नहीं है कारोबार, अभी क्या खेती बाड़ी ही हम लोगों का कारोबार है। बीते दिन कुछ दिन पहले भी एक तूफान आया, केला का क्षति हुआ, फिर आज भी इस तरह जो है कि बीते दिन जो हुआ उसमें बहुत कम नुकसान हुआ था, ये आज जो हुआ है ये पूरा बुरी तरीके से बर्बाद कर चुका है हम लोगों को, कर्ज के तब्दील में डूब गए हैं, बहुत परेशान है हम लोग। अब क्या आपके पास कोई रास्ता है? क्या रास्ता रहेगा हम लोग किसान के पास, हम लोग खेती करते हैं, खाते हैं। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से यही मांग है कि कुछ उचित मुआवजा दिया जाए हम लोग को, जिससे जान बचे, घर परिवार। ठाकुरगंज कृषि पदाधिकारी जो है क्या कोई अब तक पहुँचा है? नहीं पहुँचा है, कहाँ पहुँचता है वो लोग, नहीं पहुंचा अब तक। क्या शुभ नाम है आपका?
कल ठाकुरगंज प्रखंड में काफी बारिश हुई और ओलावृष्टि हुआ, काफी लोगों का नुकसान हुआ। मैडम आज आप स्थल निरीक्षण किया, क्या पाया गया मैम? यहाँ मैं फिलहाल बेगुलडांग में उपस्थित हूँ। यहाँ देखा है कि पीपल का एक बड़ा पेड़ जो है वो जड़ से उखड़ के गिर गया है, जो कि 3-4 घरों पे गिरा है। और यहाँ पे आंधी तूफान से काफ़ी लोगों की झोपड़ी है, क्षति हुई है। सरकार के तरफ से जो भी दे होगा अनुदान वो दी जाएगी, और अभी इनको सहायता के रूप में नाम नोट करवा लिया गया है। जिसने भी लाभार्थी हैं जिनका भी नुकसान हुआ है, अंचल बुला के उनको प्लास्टिक शीट दे दी जाएगी तत्काल मदद के लिए। बाकी जो है सरकार के द्वारा जो भी दे होगा भुगतान कार्रवाई आगे किया जाएगा। मैम अंचल में ही दिया जाएगा, यहाँ नहीं दिया जाएगा? अंचल में ही देंगे, क्योंकि अभी कर्मचारी सब नोट कर रहे हैं, और भी जगह मुझे जाना है, तो एक ही बार जब सबका नाम नोट हो जाएगा तो सबको अंचल बुला के और मुआवजा नहीं, ये प्लास्टिक शीट सहायता राशि में देंगे। किसानों का भी काफी फसल नुकसान हुआ है मैम, उसको लेकर किसान का जितना भी क्षति हुआ है एक आवेदन वो कृषि विभाग में दे देंगे, उसके अनुसार अपना वो घर आगे कार्रवाई करें। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वही हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक, और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम होलीगेट मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीजें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन, और आपके नेट के अंदर काफी डिजाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।